हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ड्राइव डॉन। और दोस्तों, किया के फाइव या फिर किया ऑप्टिमा के बारे में आप ऑलरेडी सुन ही चुके होंगे। किया के फाइव और किया ऑप्टिमा एक ही कार है और ये किया की आने वाली एक सेडान है। और रिसेंटली कंपनी ने इस कार की और भी इंफॉर्मेशन रिवील की है और इस कार को नेक्स्ट ईयर 2020 में वर्ल्ड वाइड लॉन्च कर दिया जाएगा। और ये जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसका लॉन्च अर्ली 2020 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और इस गाड़ी के अलावा किया की कार्निवाल भी है, वो भी अर्ली 2020 में इंडिया में लॉन्च कर दी जाएगी। और ये गाड़ी जो है किया कार्निवाल, ये लॉन्च होने पर कम्पीट करेगी टोयोटा इनोवा जैसी कार से। और किया के फाइव की बहुत सारी खास बातों में एक जो खास बात है इसकी, वो है इसका ऑल व्हील ड्राइव होना। और इसके अलावा भी इसके अंदर काफी सारे अच्छे नए फीचर्स हैं, कुछ सेफ्टी फीचर्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो इस कार को काफी खास बनाती हैं। किया की इस अपकमिंग सेडान को एक हाईली फीचर पैक्ड कार माना जा रहा है। और अगर आप इसके बारे में पहले सुन चुके हैं तो अभी इसकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो आउट हुई है, जो रिवील हुई है, उसके अंदर इस गाड़ी की कनेक्टिविटी, इंटीरियर और सेफ्टी फीचर्स के बारे में और जानकारी दी गई है। और बात करें इस गाड़ी के आउटर लुक की, तो इस गाड़ी को जब आप फर्स्ट लुक में फ्रंट से देखेंगे तो एक बोल्ड और एग्रेसिव लुक आपको देखने को मिलेगा। और आपको अट्रैक्ट करेंगे इसके एलईडी हेडलैम्प्स और इसकी डे टाइम रनिंग लाइट्स। उसके बाद इस गाड़ी के अंदर आपको जो अलॉय व्हील्स के ऑप्शन दिए गए हैं, वो आपको 16, 17 और 18 इंच के एल्यूमिनियम अलॉय व्हील डिजाइन देखने को मिलेंगे। और इसका जो GT मॉडल होगा उसके अंदर आपको 19 इंच के व्हील डिजाइन भी देखने को मिल सकते हैं। और इसके फ्रंट के तरह ही इसका जो रियर लुक है वो भी आपको काफी अट्रैक्टिव और एग्रेसिव देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करें इसके इंटीरियर की, तो इसका जो कैबिन है वो एक ड्राइवर ओरिएंटेड कैबिन माना जा रहा है। और इसका डैशबोर्ड भी काफी बड़ा और हॉरिजॉन्टल सिमेट्री के साथ देखने को मिलेगा, जो कि हेल्प करेगा इस गाड़ी में इसके कैबिन में और ज्यादा स्पेस देने में। इसके अलावा इसके अंदर आपको किया का लेटेस्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा, जो कि इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ अटैच होगा। और ये 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा, जो कि 12.3 के डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ अटैच होगा। इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर आपको एक पावरफुल 12 स्पीकर वाला बॉस का सराउंड साउंड ऑडियो सिस्टम दिया गया है। साथ ही इसके कैबिन में आपको मूड लाइटिंग सिस्टम और वायरलेस फोन चार्जिंग जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। और किया किस अपकमिंग सेडान में जो आपको वॉइस कमांड सिस्टम दिया गया है, वो आपकी हेल्प करता है कंट्रोल करने में काफी सारे फीचर्स को, जैसे कि इलेक्ट्रिक विंडोज को, क्लाइमेट कंट्रोल को, सीट्स और रियर ग्लास को, और साथ ही इसके ऑडियो सिस्टम को भी। और इसके इंटीरियर की खास बातों में एक खास बात है इसका 8 इंच का हेडअप डिस्प्ले, जो कि ड्राइविंग इंफॉर्मेशन से रिलेटेड काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपके स्मॉल ग्लास पैनल में ही डिस्प्ले करेगा। और इस डिस्प्ले में आपको व्हीकल स्पीड, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और इसी तरह के कुछ अलर्ट्स जो है देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात करें इस गाड़ी की पावर और इसके सेफ्टी फीचर्स की, तो पावर की टर्म्स में आपको इसके अंदर एक 2 लीटर का MPI इंजन दिया जाएगा, जो कि 150 bhp और 192 Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम होगा। इसी के साथ इसके अंदर आपको 2.5 लीटर का GDI इंजन मिलेगा, जो कि 191 bhp और 246 Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम होगा। इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर आपको 1.6 लीटर का TGDI यानी कि टर्बो चार्ज पेट्रोल डायरेक्ट इंजेक्शन वाला इंजन भी दिया जाएगा। और इसके अलावा भी आपको कुछ ऑप्शंस अवेलेबल करवाए जाएंगे, जिसके अंदर हाइब्रिड वर्जन का भी ऑप्शन इंक्लूड होगा। और ये सभी इंजन्स आपको 6 और 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल करवाए जाएंगे। और जो इसका TGDI इंजन होगा, उसके अंदर आपको किया का नया 8 स्पीड वेट डबल क्लच ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। और अब इसके बाद बात करें इसके सेफ्टी फीचर्स की, तो इसके अंदर आपको काफी सारे एडवांस फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि फॉरवर्ड कॉलिजन अवॉइडेंस असिस्ट, सराउंड व्यू मॉनिटर, ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर, ब्लाइंड स्पॉट कॉलिजन अवॉइड असिस्ट, स्मार्ट क्रूज कंट्रोल, लेन फॉलोइंग असिस्ट, ड्राइवर अटेंशन वार्निंग, हाईवे ड्राइविंग असिस्ट, जैसी काफी सारी चीजें हैं जो इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। और साथ ही इन फीचर्स के अलावा आपको इसके अंदर 9 एयरबैग्स भी मिलेंगे। तो दोस्तों, ये है वो ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन जो किया की इस अपकमिंग सेडान के बारे में कंपनी ऑलरेडी रिवील कर चुकी है। इस गाड़ी के बारे में आपकी क्या राय है वो भी हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलते रहें। सो बने रहिए ड्राइव डॉन के साथ, हम जल्दी आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड कीप ड्राइविंग।